वेलकम। कैसे हैं आप लोग? रमज़ान का दूसरा रोज़ा आप सबको किचन खाने की तरफ से बहुत मुबारक हो। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन नगेट्स, जो बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही अच्छे बनेंगे, बाहर से बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे और बहुत ही रिजनेबल और हेल्दी होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है हम घर में बना रहे हैं तो बाहर से बहुत अच्छी क्वालिटी के सामान के साथ हम बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं और बनाते हैं चिकन नगेट्स। यहाँ पर मैंने हाफ के जी चिकन लिया है, चिकन का कीमा है ये। इसे अच्छे से धोकर बिल्कुल ड्राई कर लें, पानी ना हो इसमें। सबसे पहले दो अदद मैंने स्लाइस लिए, इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून ब्लैक पेपर लिया है। 2 टेबलस्पून मेरे पास हरी मिर्चों का पेस्ट है, बिल्कुल ड्राई है ये, पानी वाला ना हो। जिंजर गार्लिक पेस्ट है मेरे पास 2 टेबलस्पून, इसमें भी पानी ना हो। 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स है। कॉर्नफ्लावर है मेरे पास यहाँ पर 1 टेबलस्पून। 1 टीस्पून वाइट पेपर है मेरे पास। नमक है हसबे जायका और चिकन पाउडर लिया है मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून। इसके साथ ही हमें 2 टेबलस्पून सोया सॉस डालना है। अब बाकी सारी चीज़ों को हम चिकन में मिक्स कर लेंगे। सारे मसालों को हम चिकन के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे, हाथ की मदद से हम करेंगे तो ताकि ज़्यादा अच्छी तरीके से मिक्सिंग हो जाए। देखिए कितना ड्राई है ये, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। अब इसे आधे घंटे के लिए हम फ्रीज कर देंगे। इससे ये होगा कि बैटर हमारा जो है थोड़ा टाइट हो जाएगा और हमें नगेट्स बनाने में आसानी होगी। देखिए फ्रेंड्स, आधा घंटा हो गया है, अब मैंने इसे बाहर निकाला है। अब मैं इसको नगेट्स का शेप दे दूंगी, आप जैसा चाहें वैसा शेप दे दें। पहले हम हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे, इसके बाद चिकन का मसाला उठाएंगे और इसे नगेट का शेप देंगे। देखें फ्रेंड्स, इस तरह से हम एक एक करके सारे नगेट बना लेंगे। फ्रेंड्स यकीन करें कि ये बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है, बिल्कुल जो बाहर के बड़ी बड़ी ब्रांड्स के नगेट्स मिलते हैं ये बिल्कुल वैसे ही बनेंगे और आपको घर में ये बहुत रिजनेबल भी पड़ेंगे और टेस्ट भी इसका बाहर से बहुत अच्छा होगा। आप एक बार इसे बना के ज़रूर देखिएगा। देखिए इस तरह से हम सारे नगेट्स बना लेंगे। कुछ नगेट्स को मैंने इस तरह से शेप दिया है और कुछ को इस तरह से मेरे पास शेप्स थे, क्योंकि बच्चे जो हैं वो इस तरह की चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं, तो कुछ को मैंने इस तरह से शेप दिया है। ये देखिए कितना मोटा रखा है इसे मैंने। अब इसकी कोटिंग करते हैं हम। कोटिंग के लिए हमें यहाँ पर मैदा चाहिएगा 1 कप। 2 अदद अंडे लिए, इन्हें मैंने अच्छे से बीट कर लिया है, और 1 कप मैंने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स लिए हैं। पहले हम मैदे की कोटिंग करेंगे, इसके बाद हम इसे अंडे में डालेंगे। अंडे की कोटिंग के बाद हम इसे ब्रेड क्रम्स में डालेंगे और अच्छे से हर तरफ ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर देंगे। अगेन इसके बाद हम दोबारा से अंडे में डालेंगे और फिर दोबारा से हम दूसरी कोटिंग ब्रेड क्रम की करेंगे। अगर आप एक कोटिंग करना चाहें तब भी बेहतर है, बहुत अच्छे से इसकी कोटिंग होती है, लेकिन मैं यहाँ पर 2 बार कर रही हूँ। इसी तरह 1 बाय 1 हम सारे नगेट्स की कोटिंग कर लेंगे। देखा फ्रेंड्स आपने कितना इजी है ये, इसमें बिल्कुल भी झंझट नहीं है, बहुत आसानी से बन जाते हैं, जबकि बाहर ये बहुत महंगे मिलते हैं और घर के बनी हुई चीज़ का अपना ही अलग जायका होता है, हेल्दी भी होती है, अच्छी चीज़ें हमने डाली होती है। देखिए फ्रेंड्स, सारे नगेट्स को मैंने यहाँ पर कोटिंग कर ली है इसी तरह से। बस इस स्टेज पर अगर आप चाहें तो इसे फ्रीज कर सकते हैं। पहले आप इसे फ्रीज करें, जब ये हार्ड हो जाएं थोड़े तो इसके बाद आप इसे ज़िपलॉक बैग में रख सकते हैं या क्या किसी भी एयरटाइट डब्बे में रख सकते हैं। अब मैं आपको कुछ इसमें से फ्राई करके दिखा रही हूँ। ऑयल मैंने यहाँ पर गर्म रखा है, बहुत गर्म ऑयल में हम इसे नहीं डालेंगे और बहुत सारे भी हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़े थोड़े करके हमने फ्राई करने हैं। देखिए फ्रेंड्स, हल्का हल्का इसमें गोल्डन कलर आने लगा है, बस तो आप इसको इस तरह से चेक करते रहें ताकि ये जल ना जाए। देखिए फ्रेंड्स, इसका बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया था, मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है।
देखिए फ्रेंड्स, नगेट्स हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, दोनों तरफ से इसमें बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ गया है और देखिए इनकी शक्ल कितनी परफेक्ट आई है। अब मैं बाकी के नगेट्स भी इसी तरह फ्राई कर लूंगी। देखिए फ्रेंड, मज़ेदार से हमारे परफेक्ट वाले नगेट्स, चिकन नगेट्स बिल्कुल रेडी है। देखा आपने कितने इजी तरीके से इतने सारे नगेट्स बन गए, ये कितने परफेक्ट बने हैं। इनकी शक्ल देखें आप और ये कितने प्यारे लग रहे हैं और बिल्कुल बाहर की तरह के लग रहे हैं। इसका जायका भी बिल्कुल बाहर जैसा ही है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।